म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक जालंधर के एक निजी होटल में आयोजित की गई। एमएफडीए की ये 9वीं एजीएम राजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें एक बार फिर से सर्वसम्मति से एसोसिएशन का अध्यक्ष राजेश गुप्ता को चुना गया, जिसके बाद अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने अपनी कार्यकारिणी टीम के सदस्यों का चयन किया। इस मौके पर विकास रेखी ने पिछले वर्ष की गतिविधियों और प्रशिक्षणों की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर राजेश कक्कड़ मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अमित धीर, ब्रिजभूषण मरवाहा, नीतीश गोयल सहित अन्य सदस्य गण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रेखी, मेरे दोस्त गुलशन सुनीजा जी के साथ, हम दोनों एमएफडीए के साथ जुड़े हुए हैं। एमएफडीए मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, जो कि 9 साल पुरानी है। दिस इज़ द 9th मीटिंग। और हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन में कई तरह की सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, जैसे कि कोविड के उस महामारी के टाइम पे हमने कई तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करवाए, जहां पर लोगों को इंजेक्शंस और कई तरह की सुविधाएँ प्रदान की। इसके अलावा हम ब्लड डोनेशन कैंप भी करवा चुके हैं। इसके अलावा हम कई तरह के सर और सोशल एक्टिविटीज़, जैसे कि राशन बांटने का या और तरह की चीज़ें जो जो लोगों को हेल्प के लिए ज़रूरत होती है। हमारे प्रेजेंट मिस्टर राजेश गुप्ता हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हमारे मेंटर भी हैं, जो हमारे को बहुत तरह की चीज़ें भी बताते रहते हैं और हमारे को इंस्पायर भी करते रहते हैं। मैं राजेश गुप्ता, प्रेजिडेंट एमएफडीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। हमारा ये 9वां साल है और हमारे एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी एसोसिएशन है। हम ना सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प करते हैं, बल्कि अपने क्लाइंट्स की भी हेल्प करते हैं। और हमारे एक खासियत ये है कि हम सिर्फ इसको प्रोफेशनली नहीं, बट एज ए फैमिली हम इसको एसोसिएशन को चला रहे हैं। अगर किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सब इकट्ठे होकर हेल्प में चले जाते हैं।